नो नो, ही इज़ अ वेरी स्वीट चाइल्ड. मतलब कार्तिक बिल्कुल परेशान नहीं करता. इनफैक्ट अरे हेलो, बिल्कुल परेशान नहीं करता. सबसे पहले तो आपका जो लुक है, जो सीरियल का लुक है, जो काफ़ी यूनिक लग रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी हैवी कॉस्ट्यूम्स हैं, उस बारे में कुछ बताइए. ये शो ही अपने आप में यूनिक है, स्टोरी लाइन यूनिक है, एवरी कैरेक्टर इज़ यूनिक. हर कैरेक्टर का लुक इतना डिटेल में वर्कड अपॉन है. इट हैज़ कम आउट रियली वेल. द एंड रिजल्ट इज़ फैंटास्टिक. दो किरदार हैं आपके इसमें, तो कितना डिफिकल्ट या ईजी रहा और क्या प्रिपरेशन किया आपने इसके? सी एज एन एक्टर तो डेफिनेटली एक्साइटिंग होता है दो किरदार एक साथ प्ले करना. डिफ़िकल्ट या लुक डिफरेंट है, तो एक कैरेक्टर से दूसरा कैरेक्टर जब प्ले करना होता है तो बहुत टाइम टेकिंग होता है. बट उसके अलावा दोनों ही लुक्स इतने सुंदर हैं कि मैं डिसाइड नहीं कर पाती हूँ कि मैं इस लुक से ज़्यादा खुश हूँ या उस लुक से. अच्छा, बच्चे के साथ शूटिंग करना कितना आसान या मुश्किल रहा, क्योंकि काफ़ी टैलेंटेड है वो, हम उन्हें कॉमेडी में देख चुके हैं. कार्तिके इज़ अ थरो प्रोफेशनल, फैंटास्टिक एक्टर. उसका इमोशंस पे बहुत अच्छा पकड़ है, उसकी डायलॉग डिलीवरी पे बहुत अच्छी पकड़ है, और इतना सिंसियर है वो बच्चा कि अगर कोई सीन इज़ नॉट कमिंग राइट, अगर कोई सीन में कुछ कमी है, तो वो करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, तब तक जब तक कि वो बेस्ट ना हो जाए. वो बिल्कुल थकता नहीं है इस बात से कि हमें दोबारा बार 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 करना पड़ रहा है. तो ही सो डेडिकेटेड, और उसका पैशन देखकर इतना अच्छा लगता है कि ही इज़ द वन हु रियली डिजर्व टू बी डूइंग द शो. इसके अलावा मतलब शूटिंग पे कितना परेशान किया या फिर कितना? नो नो, ही इज़ अ वेरी स्वीट चाइल्ड. मतलब कार्तिक बिल्कुल परेशान नहीं करता. इनफैक्ट अरे हेलो, बिल्कुल परेशान नहीं करता है, बल्कि उसके साथ शूट करने में बहुत मज़ा आता है. सिंसियर भी बहुत है, तो काम भी बहुत सीरियसली लेता है, और उसके अलावा बहुत मस्तीखोर है, तो साथ में हम लोग मस्तियाँ भी बहुत करते हैं. इनफैक्ट उसको बहुत बुली करते हैं, बहुत परेशान करते हैं, पूरी यूनिट मिलकर उसके साथ बहुत उसकी लेग पुलिंग करती है, और बहुत ही क्यूट है, बड़ा शर्माता रहता है. शनि की बिल्कुल ऑपोजिट है वो रियल लाइफ में. इसके अलावा माइथोलॉजिकल सीरियल है और काफ़ी लार्जर देन लाइफ सेट्स है, तो क्या कहना चाहेंगे? हमने अभी देखा प्रोमो में कि काफ़ी बड़े बड़े सेट्स बनाए गए, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? द सेट इज़ आउटस्टैंडिंग. मतलब आपने आज तक टीवी पर ऐसा सेट नहीं देखा होगा. आपने ये जो लार्जर देन लाइफ फील है, ये आप सोच भी नहीं सकते हैं उस लेवल का है. उसमें इन टर्म्स ऑफ टेकिंग और VFX, मतलब इंटरनेशनल लेवल के VFX किए हैं इन्होंने. जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडियन टेलीविजन पर आज तक ऐसा कुछ नहीं बना. जाते आते ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे शो को? मैं यही कहूँगी ऑडियंस को कि शनि स्टार्टिंग फ्रॉम 7th of November एंड मंडे टू फ्राइडे रात 9 बजे ऑन कलर्स, एक ऐसा शो आ रहा है जो देखकर आप सब कहेंगे कि अगर शो हो तो ऐसा. थैंक यू सो मच.